कितना चाहते हैं मानसी जी को आप? बहुत ज्यादा चाहते हैं हम। और एक छोटा सा गिफ्ट है, ये है, इसमें खोल के देखिए आपको क्या है। क्या बात है, गिफ्ट दिए मानसी जी। देखते हैं ना, हम अभी उतना कमाते नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, देख रहे हैं और सपोर्ट करेंगे। ये बहुत बिछिया है, चांदी का बिछिया है, देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? रीना निषाद B2। और आपका? मेरा बिपिन। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। अच्छा, आप लोग लव मैरिज किए हैं कि अरेंज मैरिज? लव मैरिज दोनों है। दोनों लव मैरिज। सब लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज वाला के पास लव मैरिज वाला आता है। तो आप लव मैरिज शादी किए हैं? हाँ, लव मैरिज किए। लव मैरिज कैसे किए? भागो के तो नहीं किए है? नहीं, लव में समझिए अरेंज हुआ है। कैसे हुआ? थोड़ा आप दोनों में कहेंगे कहानी, थोड़ा बताइए, आप अपना लव स्टोरी थोड़ा सुनाइए। कहानी यही है, मेरा एक दोस्त था, वो फोन किए, इनके भाई के दोस्त थे वो। अच्छा। तो हमको कॉल किए, ये कॉल किए मेरे मोबाइल लेके, तो इनका भाभी उठा लिए थे फोन, तो गाली गलौज हुआ। उसके बाद उस दिन के बाद हम गाड़ी चलाने चले गए, बड़ा वाला गाड़ी जो चलाते थे कंटेनर। अच्छा। तो वहाँ पे फिर इधर से फोन किए उधर से, उसके बाद बात होते होते मतलब कब प्यार हो गया कोई मालूम नहीं चला। लास्ट में एक बात बताइए, आप मतलब पहले फोन आप किए थे? नहीं, हम नहीं किए थे, पहले मेरा दोस्त किया था, इनका भाई के दोस्त थे। अगर आपसे भेंट नहीं करते, अगर हम घर पे जाते तो मोहल्ला वाला तो बहुत अफसोस होता, दुखी भी मन होता, घर के आदमी बोलता से बोलता अगल बगल कता से गया और नहीं मिला, देखिए। तो इसीलिए आप मिल गए तो बहुत हमको अच्छा लगा। अच्छा, वीडियो बनाएंगे, क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे। उसके बाद क्या करिएगा? वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पर डालेगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डालेंगे। सिर्फ वीडियो डालना है आपको, पैसा कमाना नहीं है? पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। हाँ, कितना कमाना है आपको? अब जितना सपोर्ट करेंगे, पब्लिक सपोर्ट। फिर भी अभी कितना कमाता है पैसा? अभी थोड़ा भी नहीं, मतलब चारा भी नहीं। होने वाला था तो आईडी तो उड़ गया, कौन आईडी उड़ गया आपका? बीपी रीना ऑफिशियल था मेरा चैनल, तो वो डिलीट हो चुका है यूट्यूब पर से, फिर से। उसे कितना रुपया कमाए थे आप? मोनिटाइज होने वाला था, जिस हम सोचे से जाएंगे दूसरे जगह, मतलब कोई स्टार से मोनिटाइज करवाएंगे, और आज सोचे कल रात को, मतलब सुबह उठे तो देखे वीडियो डाल रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल। चलिए, आप अपने चैनल जो भी है, क्या है, रीना निषाद B2, इनको ग्रो करिए, और ग्रो हो जाता है तो हमसे मिलिए, हम मोनेटाइज कर देंगे, ठीक है? इसके लेकर आप कहीं नहीं जाइएगा, बहुत सारे लोग गलत भी मिलते हैं, मेरे पास आइएगा, मोनेटाइज कर देंगे, ठीक है? और चाहेंगे ना, ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर से हम दोनों से मिलने के लिए आए हैं। लव मैरिज कपल को अरेंज मैरिज में बदले, और उसके बाद दहेज लेकर ब्याह किए हैं, दहेज लेकर ब्याह किए हैं, इस तरीका से हुआ। और कभी मार उड़ खाए कि नहीं? हमको नहीं, अभी तक काहे के लिए मार खाएंगे, वैसा काम ही नहीं किए, हमारा पर दबदबा अभी तक नहीं बनाया। मेन बात यही है, रॉन्ग नंबर वाला प्यार, इन दोनों का रॉन्ग नंबर वाला प्यार, गाना सुने होंगे, रॉन्ग नंबर में ही राइट होता है, राइट में रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? राइट नंबर लगाइए तो रॉन्ग हो जाता है, और रॉन्ग नंबर लगाइएगा तो राइट हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, गाना वाना गाने आता है आपको? गाना थोड़ा बहुत गा ले, गा सकते हैं इस समय? अपने अपने जानों के लिए गा सकते हैं? अभी फिलहाल क्या गा, इनसे गवाइए। अच्छा, आप अपने पति के लिए गाना गा सकते हैं? हाँ, गा सकते हैं, इस समय गा सकते हैं? हाँ, गा देंगे, गा दीजिए, लोग सुनेंगे, आपको देखेंगे। ये भी बहुत फेमस है अपने मुजफ्फरपुर से, लेकिन इन्हें हम लोग का प्यार, हम लोग का वीडियो देखते हैं, ये सब काफी ज्यादा पसंद पड़ा है, जिसके वजह से ये लोग आए हैं। क्योंकि मुजफ्फरपुर में तो स्टार लोग सब बहुत ज्यादा है, फिर भी हमारे यहाँ है, तो कुछ कारण बस आए होंगे ना, कुछ क्या देखे जो आ गए? मतलब आप लोग के ना व्यवहार, और एक होता है ना कि वायरल हो जाएगा तो A to T बहुत होता है, आप लोग में ये नहीं देखे, हम लोग वीडियो में देख के ही पता चल गया कि ये लोग के पास उतना A to T नहीं है। ठीक है, हम लोग उस टाइप के है ही नहीं, कभी भी लखपति करोड़पति भी बन जाएंगे ना, एटीट्यूड मेरे अंदर नहीं रहेगा। सबसे पहला बात है कि हमारा अंदर का जो गुण स्वभाव है ना, दुनिया के व्यक्ति सबसे अलग ही रहता है, मोदी जी, योगी जी, जो किसी को मिला लीजिए, सबसे हमारा अलग रहता है। जैसन सोचले रहनी वैसन पियावा मोर बारे, साबर न गोर बारे हो, जैसन सोचले रहनी वैसन पियावा मोर बारे, साबर न गोर बारे है। तो साबर न गोर है तो कैसन है, बताइए? वही जो दोनों मिला के है। देखिए, इनका भी जोड़ी एक तरह से मेरे जैसा, हम भी काले हैं, भाई साहब भी काले हैं, दोनों सारू हैं। मेरे लिए और आप? हाँ, गोरे या कुछ नहीं है, सही मानसी भी बोलते हैं। आप कैसे कहते हैं अगर मेरे बारे में कोई बोलता है कि काला, तो आप क्या बोलते हैं? काले है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं ना।
आप क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं, काले है तो क्या होगा, दिल वाले है ना। चलिए ये दोनों को जो देख रहे हैं दोनों व्हाइट मिल्क है, लेकिन काफी दोनों अच्छी है। हाँ। आज भी हम आ रहे थे जिसे तो थोड़ा कपड़ा उपड़ा पहन लिए थे नया नया, और आ रहे थे ना तो कुछ लोग बोला थे मतलब जो मतलब बुजुर्ग आदमी नहीं बोलता है कि कुछ कुछ मतलब बहुत गलत गलत बोला था, उतना ध्यान नहीं दिया चला है। देखिए क्या होता है ना, वीडियो गांव में घर हुआ आपका, जैसे अभी हम लोग शहर में रहते हैं और गांव में भी घर, मतलब मीडियम जगह पे रहते हैं, गांव शहर दोनों आता है, जैसे हमारे यहाँ सिमरा तरफ के हुआ ऐसे। देखिए वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लोग गलत समझते रहते हैं, गलत बोलते रहते हैं। हम बोलिए कौन चैनल है? मेरा चैनल है रीना निषाद भीटू। रीना निषाद भीटू, हाँ। फेसबुक पर है रीना निषाद, इंस्टाग्राम पर भी रीना निषाद है। जितने भी दोस्त वीडियो देखने वाले हैं उनको क्या कहिएगा? यही कहना चाहेंगे कि प्लीज हमको भी चैनल को रीना निषाद भीटू को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हमें ज्यादा से ज्यादा हमको सपोर्ट कीजिए। चलिए सपोर्ट करेंगे, जितने भी दर्शक देखने वाले हमारे खास कर होंगे तो हम चाहेंगे इस दीदी और भैया को भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि ये भी मुजफ्फरपुर से आए हैं, बहुत खुशी हो रहा है बहुत दूर से आए मिलने के लिए, तो चाहेंगे आप लोग सपोर्ट करिएगा तो ये थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस मुजफ्फरपुर में बहुत स्टार सब है, लेकिन चाहेंगे ये भी स्टार में गिनती हो जाए तो हम लोग भी वहाँ पर आएंगे आपसे मिलने के लिए, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, जरूर, हम तो बुलाना चाहते हैं आपको कि हाँ हम मेरे घर पर भी आप लोग आइए। कैसा लगा मेरे यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत हमको अच्छा लगा, सबसे पहले तो इतना अच्छा लगा से मत पूछिए। वीडियो तो डाल रहे हैं हम अपने चैनल पर, तो आप कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और छोटा सा गिफ्ट लाए हैं दीदी के लिए। गिफ्ट क्या है दिखाइए जरा, गिफ्ट दिखाइए। छोटा सा मतलब जो हमको हुआ है सो लाए हैं। नहीं नहीं गिफ्ट देखिए, गिफ्ट एक सेकेंड, क्या बोले हैं? हम यही कहना चाह रहे थे कि गिफ्ट कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा भी गिफ्ट गिफ्ट होता है। गिफ्ट कभी दोस्तों छोटा वाला नहीं होता, चाहे वो आप अपने गिफ्ट में एक हफ्ता भी रख के लेते आइएगा ना, वो भी गिफ्ट होता है, गिफ्ट गिफ्ट होता है, उसको सामान इज्जत दिया जाता है। गिफ्ट जो भी हो थोड़ा ऑन कैमरा में देते तो तनका दिखा देते हैं। हाँ, और दीदी के क्या बोला जाता है, डेयरी मिल्क बहुत पसंद है। वाह वाह क्या बात है, वो भी लाया है। और एक छोटा सा गिफ्ट है ये है, इसमें खोल के देखिए आप तो क्या है। क्या बात है, गिफ्ट दिया देखते है ना, हम अभी उतना कमाते नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, देख रहे हैं और सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये बिछिया है, चांदी का बिछिया है, देख सकते हैं। ये देखिए सब्सक्राइबर और फैन इनको बोलते हैं। ये देखिए कितना चाहते हैं मानसी जी को आप? बहुत ज्यादा चाहते हैं हम। अगर हम नहीं आ पाते यहाँ पे, मतलब लेट हो जाता तब तक लौट जाते, तो ये भी नहीं मिल पाता। नहीं नहीं, बहुत दिक्कत अंदर से हो रहा था कि इतना अधिक हो रहा था, अफसोस हो रहा था कि नहीं मिल पाएंगे। इतना प्यार था तब ना, इतना स्पीड में हम अपने आप को कुछ नहीं बुझे, पूछे मानसी जी से इतना स्पीड गाड़ी यहाँ के है इतना क्या भैया, हम भी बहुत अर्जेंट में थे, लेकिन इतना स्पीड गाड़ी पहली बार जीवन में, पहली बार हम इतना गाड़ी स्पीड चलाए, लेकिन इससे पहले कभी नहीं चलाए थे। देखिए हम लोग सोचे से एक बार सोचे से चलो हम लोग चलते हैं, क्या करेंगे, नहीं मिले तो क्या करेंगे, जहाँ जाएंगे तो कहेगा तो कहेंगे नहीं थे घर पे, क्या कर सकते हैं, तो फिर कहे नहीं रुको हम लोग रुकते हैं, लेट सेट हो जाता है, देखते हैं थोड़ा देर और वेट करते हैं और आएंगे, भेंट करने आए तो भेंट करके ही जाएंगे। मानसी जी आपको ये मिला है, क्या चीज मिला है आपको? ये है चांदी का बिछिया जो कि पैर में पहना जाता है, बहुत ही अच्छा है। बहुत कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमको। और ये डेयरी मिल्क मिलने के बाद इससे ज्यादा खुशी हमको इससे। अच्छा सभी लोग दिखाइए क्या क्या मिला है, लोग आपको देखेंगे। ये डेयरी मिल्क पड़ा है हमको दो, और ये बिछिया भी पड़ा है दो, चांदी का है, बहुत ही अच्छा लगा। इससे ज्यादा खुशी हमको इससे होता है क्योंकि ये मेरा फेवरेट चॉकलेट है। तो आपको ये मिला है तो इनके चैनल को प्रमोट करिए, बोलिए पब्लिक को, जरूर बोलेंगे। दोस्तों जितने भी हमारे चाहने वाले हैं उनसे यही कहना चाहते हैं कि दीदी का चैनल है रीना निषाद भीटू, आप लोग जरूर जाइए और YouTube, Facebook सभी जगह पे, Instagram पे भी सभी जगह पे जाके फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और इनको ढेर सारा प्यार दीजिए। इसी तरह से दोस्तों प्यार दीजिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।